ये 100 रुपीज का नोट है, इसके ऊपर लिखा है 100। कोई नहीं कह सकता कि इसकी वैल्यू 100 से कम है, कोई नहीं कहेगा कि इसकी वैल्यू 90 है, 80 है, 60 है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है कि 100 रुपीज का नोट है। इसके साथ कुछ भी हो जाए ये 100 रुपीज का नोट रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूं तो आप देख ही सकते हैं लेकिन इसकी क्या हालत हो गई है। लेकिन अब भी इसकी वैल्यू 100 है क्योंकि उसके ऊपर लिखा है 100। अगर हम इसी नोट को और थोड़ा क्रश करें एंड आप देख ही सकते हैं इसको कितनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है, बट स्टिल इसकी वैल्यू 100 है क्योंकि उसके ऊपर लिखा है 100। अगर हम इसको और क्रश करके बिन में फेंक दे, आप देख ही रहे हैं अगर आपके साथ कुछ इतना बुरा हो जाए, एक नोट के साथ कितना बुरा हुआ, यहाँ बहुत सारी गंदगी होगी, लेकिन स्टिल क्या इसकी वैल्यू कम हुई? इसकी इट फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसके साथ गंदगी आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन इसकी वैल्यू तो कम नहीं हुई ना, इसकी वैल्यू तो अब भी 100 है। यही बात आपको समझनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि आज मैंने क्यों किया, तो द रीजन इज कि जो आप हैं, आपकी भी सिचुएशन इस नोट की तरह है, वो ऐसे आपके साथ थोड़ी दिक्कतें आती हैं, यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स, देयर आर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस इन योर लाइफ, आपके साथ कोई दिक्कत होती है, कोई आपको अब्यूज करता है, कोई आपको पुश करता है, जिंदगी की भागा दौड़ी के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलने को मिलती हैं, लेकिन आपकी वैल्यू कम नहीं होती। क्या इस नोट की वैल्यू कम हुई, आप अपने आप से सवाल कीजिए। मैंने इसके साथ इतना कुछ किया, क्या इस नोट की वैल्यू कम हुई? आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आई, फिर आप सच में सोचिए क्या आपकी वैल्यू कम हुई? ये सवाल आप का अपने आप से है। क्या अगर आपकी वैल्यू कम हुई तो यू कैन जस्ट से, लेकिन आपको पता ही होगा कि कितनी भी दिक्कत आ जाए आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी वैल्यू आपके अंदर से है। योर वैल्यू इज नॉट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस और योर स्टेटस, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आर यू फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि इस नोट के ऊपर लिखा है 100, अब कोई नहीं कह सकता कि इसकी वैल्यू 80 है, 90 है, तब भी इसकी हालत देखो। तो इसलिए आपको हमेशा ये याद में रखना है कि कुछ भी हो जाए मेरे को अपनी वैल्यू नहीं भूलनी, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू भूलते हैं फिर जिंदगी जस्ट गोज इन अ वेरी बैड मैनर। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि वॉट एवर इट टेक्स, वॉट एवर इट हैपन्स, योर वैल्यू विल नेवर एवर एवर डिक्रीज। इस नोट को आप कुछ भी कर लेना, जब तक ये फटता नहीं है, जब तक ये अपनी असली वैल्यू छोड़ता नहीं है, तब तक इसकी वैल्यू इससे कोई नहीं छीन सकता, भले ही इसके साथ कुछ भी हो जाए। इसके अंदर बिन में डाला हमने तब भी कुछ नहीं हुआ, ओके? कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी वैल्यू समझते हैं, अगर आपको पता है कि मैं कौन हूं। अगर हम इस नोट को वैसे फाड़े तो नहींगे क्योंकि इट्स एन इंडियन करेंसी एंड आई रिस्पेक्ट इट, मैंने बस ये आपको आज एक बार दिखाने के लिए कर रहा हूं, अगर ये नोट फट जाता है तभी इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अब इसके साथ नहीं रही, इसके जो अस्तित्व में जो इसका इनसाइड मटेरियल है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो इसके साथ नहीं रही। लेकिन अगर इसके साथ इसकी वैल्यू है, अगर इसके साथ इसकी असली स्ट्रेंथ है, तब कुछ भी हो जाए इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, इट विल नेवर लूज एनीथिंग, क्योंकि इसके पास उसका जो इनसाइड मटेरियल है वो उसके साथ में है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए मेरे को एक चीज तो हमेशा याद में रखनी है कि जो मेरी इनसाइड वैल्यू है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। कुछ भी हो जाए, कोई आपको कितना मारे, धमकाए, पीटे, आपके साथ दिक्कतें हो, लाइफ आपको क्रम्बल करे, लाइफ आपको डिमोलिश करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक आपके अंदर जो आपके रियलिटी है, जो आप इनसाइड से, जो आप अंदर से हैं, अगर आप उस चीज को नहीं भूलोगे तो आपकी वैल्यू कोई नहीं कम कर सकता, कुछ भी हो जाए। याद क्या रखना है, आपकी क्या वैल्यू है, तो ये आपको हमेशा याद में रखना है कि आप कौन हो, आप अंदर से कौन हो, आप अंदर से अगर बड़े हो, आप अंदर से अगर आपका दिल बड़ा है, आपकी वैल्यूज बड़ी, आपकी लेगेसी बड़ी है, फिर आप कभी भी छोटे नहीं हो सकते। आज मैंने आपको क्यों दिखाया, मैंने आई एक्चुअली शोड यू सच डिफरेंट थिंग, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, और इसका रीजन बस ये है आपको आपके बारे में बताने के लिए। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं भूलते, अगर आप ये नहीं भूलते कि आप कौन है, आप अंदर से कौन है, तब कोई भी दिक्कत आपको कुछ भी नहीं कर सकती। बस आपको यही हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अंदर से कौन है, वट एवर इट टेक्स, वट एवर लाइफ गोज, वट एवर वे, यू नीड नॉट टू फॉरगेट। और एक चीज, एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि आई रिस्पेक्ट आर इंडियन करेंसी एंड इंडियन करेंसी माँ है, लक्ष्मी है। बस मैंने आज आपको इसलिए करा क्योंकि आई वॉन्टेड टू शो इट, मैंने एक जगह देखा एंड आई वॉज रियली फैसिनेटेड, क्योंकि सच में बहुत ही बड़ा विजुअलाइजेशन है। अगर आप अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करते हैं
फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। तो इसी के साथ आई लाइक टू थैंक यू करनाल प्लस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि 3:30 बजे, जी हाँ 3:30 के ऊपर मैं करनाल प्लस पे लाइव आने वाला हूँ। और ये कोई अलग सा कोई ऐसा वैसा लाइव नहीं है, इसके अंदर मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जो पेरेंट्स फेस करते हैं और जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैं आई लाइक टू आंसर देम। और मेरे साथ दो बड़े एजुकेशनिस्ट होंगे, वंडरकिड गुरु सतीश शर्मा सर एंड इवन डॉक्टर वीरेंद्र अंकल जी, एंड दे वुड एक्चुअली आंसर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो 3:30 बजे लाइव आप जरूर आना, क्योंकि ये तब भी इतना इंपॉर्टेंट ना हो, वो आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा।